सर आप देख रहे हैं टीवी टीवी। आज हम अरवल में जो औरंगाबाद अरवल बीटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति के अध्यक्ष है और बहुत ही आप रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी से जानेंगे कि आखिर जो आप रेलवे आंदोलन कर रहे हैं तो रेलवे आंदोलन से क्या प्रगति हुआ, क्या ऐसा है कि औरंगाबाद अरवल बीटा में रेलवे लाइन आ जाएगा? वही हम आपसे कौन से हम परिचय कराते हैं सर। मैं मनोज सिंह यादव, मुख्य संयोजक बीहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति रेल आंदोलन। तो बताएंगे सर कि जो अभी तक रेलवे आंदोलन इतना बड़े पैमाने पर आप पैदल मार्च किए, भूख हड़ताल किए, मतलब बहुत तरह से आंदोलन, क्या आता है कि अरवल में रेलवे लाइन आ जाएगी? रेलवे लाइन जब तक नहीं आएगा जब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बीआरजी टीवी को, पूरे अरवल का, पूरे बिहार में जनता की आवाज आप छाए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, शरीर का एक एक कतरा जब तक रहेगा रेलवे लाइन के लिए लड़ाई जारी रहेगा। और अभी 9 वर्षों का संघर्ष का परिणाम है, लगातार 2014 2015 हस्ताक्षर अभियान चला, 2016 में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ, 2017 में आपको 26 जनवरी से पद यात्रा हुआ, रेल रोको आंदोलन हुआ जिसमें हम लोगों पर केस हुआ, आज भी 9 साल में 9 केस झेल रहे हैं। लेकिन यह जो लड़ाई है जीआरएम डीआरएम अनुमंडल प्रखंड जिला सब जगह भूख हड़ताल, शरीर को पूरा अरवल की जनता, जहाना पार्लियामेंट, आपका पटना पार्लियामेंट, आपका औरंगाबाद काराकाट पार्लियामेंट के 70 लाख जनता की आवाज, यह लड़ाई सबका है। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं यहाँ रेलवे लाइन के लिए आंदोलन करिए। सारे आंदोलनकारियों को बहुत बधाई और मैं तमाम लोग यहाँ जो उपस्थित है, लगातार हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ये आप देख लीजिए, ये पहले समझ लीजिए। सेवा में प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली विषय बिहार राज्य के बीहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन में प्रकलन के अनुसार 4000 करोड़ राशि एवं अति शीघ्र कार्य लगाने हेतु अनुरोध पत्र, ए पोस्ट कार्ड 1 लाख पोस्ट कार्ड, 1 लाख हस्ताक्षर अभियान लेकर के गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ए पोस्ट कार्ड देने का काम करेंगे, आपके चैनल से बताने का काम कर रहे हैं, सब लोगों को लेकर के, और यह लड़ाई चलेगा, सब लोग इसमें शामिल है, 70 लाख जनता की आवाज। ये बताइए जो रेलवे आंदोलन के लिए आप लोग पोस्ट कार्ड लेके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत सरकार लाइन आ जाएगा सर, आशा तो 70 लाख जनता की आवाज है कि अरवल में ही रेलवे लाइन का पटरी बिछा के ही दम नहीं है, चाहे जितना माने टाइम गुजर जाए, चाहे पटना हो या दिल्ली हो या राजभवन हो, मैंने सभी जगह माने हम लोग मार्च करेंगे। और एक है उनसे ही बात करेंगे, अपना प्रश्न करेंगे। रजनीश कुमार नाम है। रजनीश जी बताइए कि जो पोस्ट कार्ड चल रहा है या आप लोग इतना धरना पकड़, क्या मतलब आशा ये अरवल के जनता या बेटा औरंगाबाद के जनता की आशा बना है, कुछ कुछ उम्मीद है कि रेलवे लाइन आ जाएगी? पूरा उम्मीद है, 17 अप्रैल को जो टेंडर खुला है उस पर आशा है, और इस पर आशा के बाद अगर साल भर के अंदर इसमें और काम नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, तो 24 के पहले पूरा युवा जितना है पटना औरंगाबाद और अरवल का युवा जितना युवा है, इतना भयानक युद्ध जैसा होगा कि मोदी जी का चेहरा घबरा जाएगा कि ऐसा ही बिहार में युवा होता है, उनको समझ में आ जाएगा कि 24 में रेल नहीं तो वोट नहीं, ये मुंहजवानी नहीं बोला जा रहा है, हकीकत होगा, अगर नहीं 24 से पहले नहीं काम लेगा रेलवे में तो ये हकीकत होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि वो इतिहास बनेगा बिहार में तीनों जिला। रजनी जी बोले कि इसे रेल नहीं तो वोट नहीं, और युवाओं का इन्होंने आह्वान किया कि अरवल से और बीहटा से और औरंगाबाद से युवाओं का एक जलसा लाभ उठेगा, और मोदी जी को इन्होंने कहा कि मोदी जी को रेलवे लाइन अरवल में देना होगा। आप देख रहे थे बीआरजी टीवी, मैं अखिलेश कुमार दिल्ली के साथ। जय हिंद।